हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। मैथमेटिक्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग टाइप नंबर 5 सीखने वाले हैं और देखते हैं टाइप 5 में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 5 ये लास्ट टाइप है जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और कहने का मतलब ये है कि इस टाइप में तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कभी रेशियो चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा, कभी कंपाउंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। सो इसीलिए इसको मिसेलेनियस में रखते हैं और इस टॉपिक को आप पढ़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपका फाइनली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे कि कोई शॉपकीपर है, दुकानदार 30% कम तौल कर सामान को बेचता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको पता करना है। ठीक, 30% कम तौल रहा है। अब इसको करते क्या है लोग, 30% को रेशियो में चेंज कर दिया, 3/10 आया। और इसके तमाम जो है कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करके सॉल्व कराया जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा मेथड है। बट कुछ सिंपल मेथड जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सिखाऊंगा और इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और वो भी देखेंगे जो ट्रेंडिंग में रहता है तरीका, उसको भी देखेंगे। फिलहाल मेरा तरीका देखिए, यदि 30% कम उसको तौल रहा है मशीन में, या तो कोई गड़बड़ी कर रहा है या तो तौलने वाली पुरानी चीज़ें हैं, तो नीचे मैग्नेट वगैरह लगा के जो भी है। 1 किलो 1 kg या 1000 ग्राम को कितना वो तौल रहा होगा? 30% इसका ऑफ कर दीजिए तो कहने का मतलब 700 ग्राम। मतलब दुकानदार 1000 ग्राम की वस्तु 700 ग्राम में बेच रहा है। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं और इन दोनों के हेल्प से हम लोग फाइनली परसेंटेज पता कर लेंगे कि कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ज़रा, दो चीज़ें दिख रही हैं, एक 700 ग्राम और एक 1000 ग्राम दिख रहा है। ठीक, इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज चेंज होगा वही तो प्रॉफिट परसेंट होगा। ये कॉन्सेप्चुअल है, दोनों संख्याएं आपको दिख रही हैं, इनके बीच में जो परसेंटेज चेंज है वही परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ठीक, अब देखिए 700 ग्राम से 1000 ग्राम के बीच का परसेंटेज चेंज पता कर लीजिए। ठीक, 700 ग्राम नीचे लिख दिया, ये बेस वैल्यू है। ऊपर में दोनों का डिफरेंस होता है जो कि 300 आएगा ग्राम इंटू 100। सॉल्व करेंगे आपको 300/7 मिल गया और इतना समथिंग आया। इसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। सो दुकानदार या शॉपकीपर समथिंग परसेंट कम तौल के बेच रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 1 kg 1000 ग्राम से कोरिलेट करिएगा और इसको आप सिंपली प्रोसीड करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जरा ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें कहा क्या जाता है कि ये टोटल चीज़ें हैं 10 यूनिट और ये 3 यूनिट का इसको जो है चेंज कर रहा है। तो रेशियो देखिए ज़रा, 100-3=7 और ये 3 यूनिट का लाभ हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज़ टू 3 यूनिट। यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि 7 जो है इसका बेसिक था और 3 यूनिट का फ़ायदा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3/7 × 100 = 300/7। और सॉल्व करोगे आप 300/7, यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे 10-3 आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि यदि स्टार्टिंग में किसी बर्तन में 80 लीटर दूध है, 80 लीटर, उसमें किया क्या जा रहा है, पहली बार 8 लीटर उसमें से निकाल लिया गया। ठीक है, 8 लीटर उसमें से विड्रॉ किया गया और उसी की जगह 8 लीटर वाटर मिला दिया गया। ठीक, ऐसी प्रक्रियाएं 3 बार रिपीट की गई, तो बताइए कि एंड में कितना परसेंट, कितना मिल्क का अमाउंट बचेगा।
ठीक है, जब भी ऐसा चीज़ होता है कि ये रिपीटेशन आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको यूज़ करना रहता है, आर बाई 100। ठीक है, तो लास्ट में अमाउंट हमें पता करना है, तो ये लिख दिया। स्टार्टिंग अमाउंट कितनी है, 80 लीटर, तो 80 लीटर लिखा, आप 80 यूनिट का ही यूज़ कीजिए। वन यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे क्योंकि विड्रॉ किया जा रहा है, कितना 8 लीटर, अपॉन में 100 लिखते थे लेकिन यहाँ पे 100 की जगह क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में कितनी है 80 लीटर, ऊपर टी की जगह क्या है, 3 टाइम्स इसका रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे 3 लगा दिया। अब फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है, परसेंटेज चैप्टर में टोटल कितना होता है, रेशियो देखा जाए 3%, 4%, तो टोटल 100 तक जाता है, तो वहाँ 100 होता है। यहाँ पे क्या है, मिल्क से रिलेटेड कोई डाटा दिया गया तो स्टार्टिंग में टोटल बढ़ते में कितना है तो उसको यूज़ करेंगे, और ऊपर चेंज कितना किया जा रहा है उसको यूज़ करेंगे। सो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, 80 यहाँ पे 8, 10 सॉल्व किया, 9/10 इसमें आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 1080, ठीक। अगर इसको पॉइंट में ले आना है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो पॉइंट में नहीं ले जाना है, 54। लास्ट में अमाउंट कितना बचेगा, 54 लीटर एंड समथिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 80 लीटर था, यदि 3 बार ये चीज़ यूज़ किया जाए तो फाइनली हमारे पास 54 लीटर और पॉइंट समथिंग बचेगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या है इसमें। दिया गया 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोला जाता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आपको पता करना है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें दिया गया है, आपको ये भी पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर हो रहा है वो चीज़ तो उसका परसेंटेज कितना है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली दिया है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, 16 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 14 इंटू सेलिंग प्राइस। ऐसे एनसीईआरटी की क्लास 7th में भी दिया गया है सेम क्वेश्चन, और एसएससी में भी आया हुआ है, हालांकि ये आसान क्वेश्चंस में है तो अब ट्रेंडिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता कर सकते हैं आसानी से। सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16/14 हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व किया 8/7 हो गया। अब यहाँ पे कहने का मतलब है 8/7 तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट यहाँ से, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। रेशियो आते ही आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा, 8 यूनिट 7 यूनिट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट परसेंट पता करते हैं, फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्लास 6 का फार्मूला, आई होप कि आपको याद होगा। लगाते हैं, 8 यूनिट इसको रखा, इसको 7 रखा, यहाँ पे 7 रखा, 100 रख दिया, डायरेक्टली 100/7 आ गया, इसको सॉल्व किया, 14:2/7 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोसीड करने आना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को या 72 आर्टिकल्स को बेचने पर 9 वस्तुओं के दाम के बराबर लॉस उसको हो जाता है। 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तुओं के दाम के बराबर उसको लॉस होता है या उसको लॉस
पाता है तो परसेंटेज लॉस पता कीजिए। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस क्या होता है फॉर्मूला, जैसे प्रॉफिट में यहाँ कॉस्ट प्राइस है वैसे लॉस में भी नीचे तो कॉस्ट प्राइस ही होता है, ऊपर दोनों का डिफरेंस हो जाता है जो कि माइनस में आएगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन कोई टाइप नहीं है, ये बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के दाम के बराबर। अब देखो इसमें कुछ ऐसा कोई दिया नहीं है तो लेट कर लिया कि 1 वस्तु का दाम x होगा, ठीक है, एक वस्तु का दाम x है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 72 वस्तुएं हैं तो कितना हो जाएगा 72x, 72 वस्तुओं को बेचा है, यदि एक वस्तु का दाम x रुपीज़ है तो इसका कितना हो जाएगा ये। अब बात आती है 9 वस्तुओं के दाम के बराबर लॉस होता है, अब यहाँ पे लॉस दिया है 9 वस्तुओं के दाम के बराबर तो 9x हो गया। अब देखो परसेंटेज लॉस में आपको कॉस्ट प्राइस भी चाहिए और यहाँ पे आपको लॉस पता है सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन इसके अलावा सेलिंग प्राइस माइनस लॉस एक्चुअली होता क्या है, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ही तो होता है, या दोनों का डिफरेंस कर दो और निगेटिव आता है तो मतलब लॉस है। अब इसको आप ये चीज़ है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ 9x है यहाँ पे 72x है, फाइनली मिल जाएगा 81x। ठीक, यहाँ तक का क्लियर। अब इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, नीचे 81x रख दिया, ऊपर दोनों का डिफरेंस जो कि लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी होता है, तो इसको पता है 9x है इंटू 100। ठीक, अब ये मेथड आपको सीखना है, बाकी सॉल्व आप आसानी से कर लोगे। ये 50% डायरेक्टली दिख रहा है तो 50 नहीं है, 100/9% दिख रहा है तो आ गया 11:1/9%। अच्छा, ये पॉइंट में आंसर बार बार इसलिए नहीं लिखा जा रहा क्योंकि SSC या तमाम एग्जामिनेशन में मिक्स रेशियो के फॉर्म में आंसर देता है, सो हमेशा आदत आप भी रहनी चाहिए मिक्स रेशियो में सॉल्व करने का, बहुत कमी बार देखा गया डेसिमल में दिया जाए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 4 का। पहले 5 में दिया गया है कि 72 आर्टिकल्स या 72 वस्तुओं को बेचने पर व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, 72 वस्तुओं को बेचने पर व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यहाँ पे आसान क्या होगा कि क्रय मूल्य या जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखे हैं, हमें आदत बनाए, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज x मान लिया, ठीक है, तो 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, ठीक 9x होगा, जाहिर सी बात है। ध्यान दीजिए प्रॉफिट क्या है, 9x है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लिख दिया आसानी से, 72 वस्तुओं को बेच रहा है भाई तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 72x हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंट पता करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो फिलहाल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही तो होता है। ठीक, प्रॉफिट की वैल्यू रख दीजिए 9x, सेलिंग प्राइस की रख दीजिए 72x,
कॉस्ट प्राइस नहीं पता, अभी आप फाइंड आउट कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा 72x माइनस 9x, 72x माइनस 9x ये 63x आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट करिए और आंसर अपना देखिए कितना आता है, प्रॉफिट कितना है, 9x रख दिया इंटू 100, ये 100/7 आया इसका भी परसेंटेज। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 7/7 ठीक ये आ गया 14:2/7% प्रॉफिट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये एक दूसरे से बिल्कुल ही कोरिलेटेड क्वेश्चन है, बस क्या है कि स्टेटमेंट थोड़ा सा बदलता है तो हम लोग उस चीज़ का मेथड हल्का सा चेंज करते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम हैं। कुछ फार्मूले जो आपको पता होने चाहिए, अगर आपको भूल गया है क्लास 6-7 का तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है या परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ये प्रॉफिट दिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली लॉस परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जहाँ पे लॉस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये हो गया टाइप 5 और इसमें सारे क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन कराए गए हैं और इसे आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में इतना क्वेश्चन कवर हो गया। एक मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसको आगे हम लोग प्रोसीड कराएंगे, अदरवाइज वो आपको डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, स्टेटमेंट है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली बात इतने पे स्टॉप करने के बाद आगे क्या बोला जा रहा है, जबकि 10 वस्तुओं पे दिया गया डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है, तो पता क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट के बीच का अंतर, ठीक। ये आपका होमवर्क है। अब डिस्काउंट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अभी सॉल्व कर रहा है, देखते हैं क्या दिया गया है। यदि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट का परसेंट दिया है 8:1/3%, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता करना है। सो लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट या जो बेसिक फार्मूला है, लेकिन ये बोला है कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट दे दिया है इसने, तो फिलहाल ये जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 8:1/3% 25/3% के इक्वल है, जो कि क्या है, प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस इंटू 100 है, ठीक है। ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ दिया है सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बेस वैल्यू को थोड़ा ध्यान दें, एक्चुअल में ये होता है लेकिन यहाँ पे इसने दिया है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो जो डाटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग प्राइस रख के हम लोग देखेंगे, और ये परसेंटेज का साइन जो है यहाँ पे हटा देना यदि यहाँ पे मल्टीपल का साइन लग रहा है तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 25/3 ठीक, ये प्रॉफिट परसेंट है और प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस होता है इनटू 100, ये परसेंटेज है और परसेंटेज डायरेक्ट हमने लिख दिया, 1/100 यहाँ चला जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व किया तो 1 बाई
12 आया। प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 12 यूनिट। कॉस्ट प्राइस पता करना है तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है, जनरली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट होता है, ठीक। यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख दिया, माइनस कॉस्ट प्राइस नहीं पता अभी फिलहाल, प्रॉफिट की वैल्यू 1 यूनिट रखा, इसको सॉल्व किया तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 यूनिट। सो अब हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का 11 यूनिट रखा, प्रॉफिट का पता है कि कितना प्रॉफिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर रख दिया इंटू 100, ये क्या हो गया 100 अपॉन में 11, तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया, ठीक 9:1/11%। तो अब क्या है कि इसको पाउंड पॉइंट वगैरह में चेंज मत करिएगा, क्योंकि मिक्स्ड रेशियो में हमेशा आंसर दिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो प्रैक्टिस आपकी उसी पर होनी चाहिए। सो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में बस इतना ही, और आगे हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।